हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 32/21 स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम जो 17 अक्टूबर को होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड का जो नोटिस है वो आ चुका है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको दो चीज़ें फिल करनी है और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन नंबर सबसे पहले आपको फिल करना है दोस्तों। एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा, जब आपने फाइनल जो प्रिंट निकाला होगा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो उसका जो फाइनल प्रिंट होगा तो उस पर एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा। वहां से आप ये मतलब वहां से कॉपी कर लीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप नोट डाउन करके यहां पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, मैंने यहां पर डाल दिया 3237828274। अब दोस्तों, उसके बाद लास्ट में डालनी है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ दोस्तों सबकी यूनिक होती है, तो जब आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो लॉगिन करना है आपको। जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो दोस्तों मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। इसको लॉगिन करने के बाद ये किस तरह से फॉर्मेट इसका ओपन होगा, ये किस तरह से डिस्प्ले आएगी और कहाँ पर से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल डिटेल वगैरह आ जाती है। देखो दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम आ गया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गई। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वहाँ पर क्लिक करना है आपको। एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा DSSB 16th and 17th October 2021, और यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर पोस्ट है नाम आ गया इसका। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, जो सेंटर का नाम है वो ये है कि मोहन को ऑपरेशन इंडस्ट्रियल स्टेट सरिता विहार मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर मैं दे चुका हूँ एग्ज़ाम पहले भी कई, जब शुरुआत में जब मैं एग्ज़ाम देता था तो यहाँ भी सेंटर पड़ता है, और नोएडा 62 में भी सेंटर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं एडमिट कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये PDF यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, और ये PDF डाउनलोड होने पर मैं आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है। अब डिपेंड करता है मैं एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि एक बार एग्ज़ाम देकर ये एक्सपीरियंस लिया जाए कि इस बार का एग्ज़ाम कैसा था, और उसकी वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि कट ऑफ वगैरह के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों, अगर कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि मैं किसी की सीट जो है कम कर दूंगा, तो आप इस तरह से मतलब मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए जाऊंगा, और मैं सोचता हूं कि एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए ताकि आप लोगों को इसके बारे में बता पाऊं कि किस तरह से, क्योंकि स्पेशल फील्ड में स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेना ये ऐसा ही रहता है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना। जैसा कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, तो इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए। और एक जो विचारधारा है कि अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो किसी की सीट ले सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतनी तैयारी रखिए कि आप 100+ मार्क्स अचीव कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ये तो ये वो लोग होते हैं, देखो मैं आपको जनरली बताऊं, हमारे बैच में भी कुछ लोग थे जो कहते थे कि भाई आप एग्ज़ाम मत दो, आपका हो गया। इससे होता कुछ नहीं है, एग्ज़ाम आप दो, मैं तो कहता हूं कि आप 4 बार एग्ज़ाम दो, बट वो पर्सन इस चीज़ को मनाया करता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट जो है वो ले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर उसको रोक सकते हो, क्योंकि वो आपका नोन था, आपने उसको मना करा आप, क्योंकि उसको आप जानते थे। 10 लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर भी वो देने जा रहे हैं और आप उन्हें नहीं जानते, तो आप तो उन्हें नहीं रोक पाए। तो आप सिर्फ 1-2 को अगर ऐसा कहते हैं कि भाई आप तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका तो सिलेक्शन हो चुका है, बट आप एग्ज़ाम मत दो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। अब दोस्तों, मैं सेंटर दिखा रहा हूँ आपको, इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटर आप देख लीजिए, जैसे कि बताया जाता है मथुरा रोड पड़ता है ये सरिता विहार में। पिलर नंबर जो है 294 से 295 के बीच में है, न्यू दिल्ली 11004। तो 17 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम है। ये जो शिफ्ट है वो इवनिंग के 4:30 से 6:30, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, मैंने आपको बता दिया है। रिपोर्टिंग टाइम जो है 3 बजे है, बट फिर भी 4 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती है, तो 4 बजे लास्ट टाइम होता है, ये उपस्थित होने का समय है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आगे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि गेट बंद होने का समय 4 बजे, देखा जैसे कि मैंने बताया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो भी हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग ई एडमिट कार्ड इन एग्जामिनेशन सेंटर अलोंग विद 1 ओरिजिनल प्रूफ फोटो ID एज मैंशन अबव। तो ओरिजिनल फोटो आईडी का मेंशन ये है कि जैसे आपका आधार कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो हो, पैन कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो है, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका फ़ोटो है, पासपोर्ट, तो एक ऐसी आईडी लेकर जाए जिसमें आपका फ़ोटो है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर शुड रिटेन द फर्स्ट पेज ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस, द कैंडिडेट शुड रिटेन द फर्स्ट पेज। तो दोस्तों ये फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि इसकी आप कम से कम जो है ये एडमिट कार्ड एक ही पेज का दिया हुआ है यहाँ पर, मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ। कैंडिडेट फिजिकली अपेयरेंस इन द एग्जामिनेशन सेंटर शुड मैच विद द फोटो ऑन ई एडमिट कार्ड, उनको मैच किया जाएगा, ठीक है। अगर जो जो कैंडिडेट बैठते हैं,
कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड एज गिवन इन द जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। ड्रेस कोड फॉलो करना मैंडेटरी होता है, मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ। अगर आपने ईयरिंग वगैरह या भी कोई भी, अगर गर्ल्स की बात करें उन्होंने कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहनी है तो वो उतरवा लेंगे, चाहे वो सोने की हो या चांदी की, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर बॉयज़ को उन्होंने अलाउ किया है कि आप स्लीपर में जाइए और शूज़ पहने, तो आपको नंगे पैर अंदर जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला है कि आपको हाफ स्लीव की शर्ट में जाना है, टी शर्ट में जाना है, तो हाफ स्लीव में जाना पड़ेगा। फुल स्लीव की होगी तो आपको उतरवा लेंगे, चाहे आप अंदर आप बनियान में एग्ज़ाम दें या फिर आप जो है बिना बनियान के भी एग्ज़ाम दें, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ड्रेस कोड जो है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन, और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो पेज 3 पे है। तो दोस्तों ये पूरा जो एडमिट कार्ड जब आप निकलवाएं तो सिर्फ पहला पेज ना निकलवाएं, आप सारे पेज निकलवाएं, मेरी बात समझ लो। क्योंकि वहाँ पर एक तो कोरोना के टर्म भी, कोरोना का पेपर भी होता है, मतलब कोरोना का एक पेज होगा जिसपे कोविड के टर्म्स होती है कि भाई ऐसे ऐसे मैं फॉलो करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, शायद वो वहाँ पर दें या यहाँ दें, तो वो चीज़ भी है। अब दोस्तों ये भी इंग्लिश में देख लीजिए, अगर हिंदी में यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा का छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर आप सोचें कि दो घंटे का पेपर है और आपका 1 घंटे में हो गया, 1.5 में हो गया, तो आप अंदर बैठे रहेंगे, तो इसलिए पेपर आराम से दे, कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो जल्दी कर देते हैं उनके लिए। और शारीरिक रूप में ई प्रवेश पत्र पर फोटो के साथ मेल खाना चाहिए, मतलब बच्चा मिलना चाहिए। अगर सपोज़ करो किसी का बहुत पहले का फ़ोटो है जिसमें वो क्लीन शेव है और अब उसकी बियर्ड आ चुकी है, तो दोस्तों वो बियर्ड भी ट्रिम करा ले, ठीक है ना। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो, कई बार इशू बना देते हैं इसी चीज़ पर। और इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है यहाँ पर मैंने बता दिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये देखिए इंस्ट्रक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो ड्रेस कोड में क्या है, आधी बाजू वाले हल्के कपड़े, सलवार पतलून पर बड़े बटन, ब्रोच बेज फूल आदि के बिना। तो यानी कि लाइट कलर वाले कपड़े चाहिए, वो लाइट कलर यानी लाइट क्लोथ मेंशन किया, सॉरी लाइट क्लोथ हल्के जो जैसे टी शर्ट वगैरह होती है, टी शर्ट समझ लो, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, और हाफ स्लीव बता दिया मैंने, और नॉट हैविंग बिग बटन, बड़े बटन नहीं होने चाहिए, है ना, बैज वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई फ्लावर वगैरह नहीं बना होना चाहिए। तो ट्राउज़र हो, बॉयज़ हैं ट्राउज़र और गर्ल्स है सलवार, तो सिंपल सा होना चाहिए। मतलब अगर मैंने बता दिया कि जीन्स पैंट, जीन्स वगैरह अलाउ नहीं होगी, ठीक है ना। चप्पल कम ऊंची एड़ी के सैंडल्स, तो स्लीपर्स अलाउ है, और लड़कियों के लिए अगर पहन के आती है तो सैंडल्स विद लो हील और शूज़ आर नॉट अलाउड, जूते बिल्कुल भी अलाउ नहीं हैं। और ये थर्ड पेज है कोविड का, जैसे कि मैं बता रहा था एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कि कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सेंटर नेम, सिग्नेचर करना पड़ेगा, शिफ्ट डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये तीनों पेज आपको प्रिंट निकालवाने हैं, एक भी पेज आपको नहीं छोड़ना है वहाँ पर। तो ये इनविजिलेटर की ये कॉपी होगी, इनविजिलेटर इसको अपने पास रखिएगा। अच्छा, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो थी लास्ट, थर्ड पेज जो है सिर्फ वो रखेगा इनविजिलेटर अपने पास। फर्स्ट पेज यहाँ कैंडिडेट कॉपी है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है ये आपका, ये आपकी कॉपी है, आपको इनविजिलेटर के साइन करवाने के बाद ये आपको अपने पास रखनी है किसी भी कीमत पर। इनविजिलेटर को ये ना सौंपे, किसी किसी सेंटर पर ऐसा होता है कि वो वहाँ पर सबमिट कराते हैं, अगर आपने सबमिट करा दिया और आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे ये जो एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। जब आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको पेंडिंग में डाल देंगे, और बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अगर ये खो भी जाता है तो भी FIR सबमिट करानी पड़ती है, FIR की कॉपी लगती है कि मेरा ये एडमिट कार्ड खो गया है या एडमिट कार्ड खो गया। तो इस चीज़ से ये बहुत कीमती है, यही दर्शाता है कि आपने वो एग्ज़ाम में आप बैठे थे और आपने वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था या अटैम्प्ट किया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज कैंडिडेट कॉपी है, थर्ड पेज जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाली जो है इनविजिलेटर रखेंगे, और सेकंड पेज इंस्ट्रक्शन का है। तो दोस्तों यही, और ये पूरी तरीके से मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं, और कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।